नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए अब खुशखबरी आ गई है। आपको बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि दो दिनों के अंदर जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी वेतन उन्हें दे दी जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही अपने अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि नियोजित शिक्षकों की वेतन जुलाई और जून की जो वेतन है उनको अब दो दिनों के अंदर दे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 16 अरब रुपए तक जमा कर दिए हैं और जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चले, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशक श्रीकांत शास्त्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षकों को भुगतान के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। विभाग के पत्रांक संख्या 5490 के अनुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत बिहार में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को जून और जुलाई के महीने के वेतन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षकों के दो महीने जून और जुलाई के वेतन भुगतान के लिए सरकार ने 16,48,84,29,430 रुपये जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि दो दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करें। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पदाधिकारियों को ये आदेश दे दिए हैं कि दो दिनों के अंदर सारे नियोजित शिक्षकों को उनके जून और जुलाई के जो वेतन है उसका भुगतान करें। इसके लिए उन्होंने 16 अरब राशि भी उन्हें दे दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से भी उनके पदाधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं और जल्द ही इस पर कार्य शुरू होने की भी खबरें सामने आ रही है। अब लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीजों को लेकर के एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आज भी एसटीईटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया और उसके बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षक जो है उनके वेतन को अब दे दिया जाएगा। जून और जुलाई महीने के जो वेतन है उनके बाकी उनको दो दिनों में क्लियर करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।